गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने कामधेनु गौशाला का गठन किया। कामधेनु गौशाला जो आपके जालंधर शहर के बहुत समीप नूर महल के अंदर स्थित है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से वहाँ विलुप्त हो रही प्रजातियों की जो देसी नस्ल की गायें हैं उनके नस्ल सुधार पर कार्य किया जा रहा है। महाराज श्री का कहना है अगर इनकी नस्ल सुधार पर कार्य नहीं किया तो इनका संवर्धन नहीं हो सकता, इसीलिए वहाँ कामधेनु गौशाला में देसी नस्ल की गौ मैया का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये गौशाला आज अपने आप में एक अनुसंधान केंद्र बन चुकी है। इसकी वैज्ञानिक प्रणालियों को सीखने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए भारत देश तो क्या विदेशों से भी वैज्ञानिक शोधकर्ता कामधेनु गौशाला के अंदर आते हैं। उस गौशाला में आकर वो उसके अनुसंधान केंद्र के अंदर वैज्ञानिक प्रणालियों को सीखते हैं कि किस प्रकार से इस कामधेनु गौशाला के अंदर विशिष्ट प्रजातियों और उनके उत्कृष्ट गुणों वाली जो नस्ल वाली गायें हैं उनका विकास किया जा रहा है। गोपालन से जुड़े हुए लोग वहां पर आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कृषक भाई आते हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, वो सब उस कार्य को वहां पर आकर सीख रहे हैं। एक प्रसन्नता और हर्ष की बात भी आपको बताना चाहेंगे कि 1 जून 2017 के अंदर भारत की सरकार ने विश्व दुग्ध के उपलक्ष्य में, उस दिवस के उपलक्ष्य में, इस नूर महल के अंदर स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कामधेनु गौशाला को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया कि ये सारे देश की सर्वश्रेष्ठ गौशाला है, उसे प्रथम पुरस्कार सरकार की ओर से दिया गया।